नमस्कार। आज से हमने डिस्ट्रिक्ट गंदरबल में ब्लॉक दिवस का आयोजन फिर से शुरू कर दिया है। आप लोग जानते हैं कि ब्लॉक दिवस हर सप्ताह वेंसडे को आयोजित किया जाता था और ये 3 लोकेशंस में आयोजित किया जाता था। जैसी कि हमें गाइडलाइंस मिली है, सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों की ही गैदरिंग के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए ही हमें ये ब्लॉक दिवस करना है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट के कुछ आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ओवरऑल जो हमारी सिचुएशन है, आप सभी को पता है, जैसे 2-2.5 महीना पहले थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। 58 ही एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 57 हमारे होम आइसोलेशन में है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर भी इस वक्त कोविड रिलेटेड पेशेंट्स का उतना ज्यादा बर्डन नहीं है। हमारी जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है वो भी 3.47% के पास है, लेकिन हमें अगले 100 दिन बहुत ही ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है। ये फिगर्स अभी फिलहाल के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर हमने इसमें हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है, विच इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर हमने उसमें अपना गार्ड डाउन कर दिया तो हमारे इन्फेक्शन फिर से बढ़ने लगेंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और स्पेशली इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते और अगले हफ्ते के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया है कि ब्लॉक दिवस हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ही करेंगे, क्योंकि सभी अफसरों का ये मानना था कि इस इन्फेक्शन रेट के फिलहाल चलते हमें 3 जगहों पे गैदरिंग नहीं करनी चाहिए। सो वी विल वेट एंड वॉच, लेट अस सी कि हमारा इन्फेक्शन रेट एज वेल एज पॉजिटिविटी रेट क्या रहता है अगले 15 दिनों में, एंड अकॉर्डिंगली आपके जो वीडियोज है वो आपको ब्लॉक दिवस के आयोजन के बारे में पहले से ही सूचित कर देंगे। मेरा इसमें आप सबसे यही निवेदन है कि मेरे ऑफिस में लगातार पब्लिक आती है, हम सबसे मिलते हैं। ब्लॉक दिवस एक ऐसा आयोजन है जो कि बहुत दिनों बाद हो रहा है। यह आप लोगों की सहूलियत के लिए ही होता है, क्योंकि आपके डोर स्टेप पर आकर के एडमिनिस्ट्रेशन आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और उनको हल करने की कोशिश करता है। मैं समझ सकती हूँ कि पब्लिक में एक आतुरता होगी कि ब्लॉक दिवस जल्दी हो, जिसमें उनको ज्यादा दूर ना आना पड़े और उनकी समस्या वहीं पर सुन ली जाए, लेकिन प्लीज नेक्स्ट 15-20 डेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। जिन जिन विलेजेस को हम लोग चुनेंगे, हम उन्हीं के प्रतिनिधियों से, जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, और वहीं की पब्लिक से हम गुजारिश करेंगे कि वो फिलहाल आए। हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा गांवों को इसमें इंक्लूड कर सकें।